हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, आज का मेरा वीडियो है वो कि हमारे विंटर के जो फ्लावर प्लांट्स हैं, हम उनसे ज़्यादा समय तक फ्लावर्स कैसे लें, क्योंकि इनका जाने का समय हो गया है, लेकिन कितने अच्छे ये ब्लूम करते हैं और खूबसूरती इन्होंने हमारे गार्डन में बिखेरी है। तो हमारा दिल करता है कि ये कुछ समय हमारे साथ और रहें। तो गाइस, इसके लिए कुछ केयर टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जिन्हें अपना करके आप इन्हें अपने गार्डन में कुछ समय के लिए आप इन्हें और रख सकते हैं। देखिए, ये मेरे फ्लॉक्स के फ्लावर्स हैं, कितने कलर्स के अंदर ये आते हैं। और ये देखिए, इधर रानी कलर है, इधर ये रेड कलर के, और बंचेस में खिलते हैं। ये देखिए, गुच्छों के अंदर, और इनके अंदर खुशबू भी आती है, हल्की हल्की सी, बेहद खूबसूरत लगते हैं। और इधर देखिए, ये नस्टर्शियम अभी मेरे यहाँ बने हुए हैं। ये देखिए, ये नस्टर्शियम है, और अभी तो देखिए कलियाँ बराबर बन रही हैं इसके अंदर। देखिए फ्लॉक्स के अंदर ये एक और कलर है, और इधर देखिए ये कितने बंचेस में इसने देखो प्रोड्यूस किए हैं फ्लावर्स। तो एक तो आप ये जो सूखे हुए फूल हैं, इनको आप लगातार जो हैं वो निकालते रहें, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं निकालेंगे तो फिर प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, और सीड बनने के अंदर बहुत एनर्जी लगती है, और प्लांट्स ये समझता है कि हमारा लाइफ सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है, और सारी एनर्जी फिर सीड्स बनाने में लगा देता है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो हमें सूखे हुए स्पेंट जो फ्लावर्स हैं उन्हें हमें निकालना है। देखिए, ये सीड्स बनने लगे। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट सीजन के लिए सीड्स बनाने हैं तो कुछ प्लांट जो है वो आप सेलेक्ट कर लें और उन्हें अपना लाइफ सर्कल पूरा करने दें, उन्हें सीड बनाने दें, और फिर अपने खुद के सीड्स जो हैं वो हार्वेस्ट करें और उन्हें थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाकर सेव कर लें एयर टाइट कंटेनर के अंदर नेक्स्ट सीजन के लिए। बाकी जो है वो आपको इन्हें कट कर देना है, ये इस तरीके से। तो एक तो ये है कि बराबर हमारी डेड हेडिंग चलती रहे, ताकि नई नई ब्लूम्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। एक कलर ये देखिए, इधर एक और है, ये कितना खूबसूरत है। और इसी में एक ये और है, देखिए इसी का एकदम लाइट शेड, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इसी में एक प्लांट ये और है, देखिए रेड के अंदर भी, देखिए दो वैरायटी है इसकी, बिंदी का कलर देखिए आप, और इधर इनकी बिंदी का कलर देखिए, है ना चेंस। तो हर मतलब प्लांट के अंदर मैं तो देखती हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता ही है। तो आप सभी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, और लगता है कि हमारे साथ बने रहें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हम कुछ पीरियड जो हैं इन्हें बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा समय हमारे साथ और बने रहें। तो एक तो आपको इनकी लोकेशन जो है वो अब चेंज करनी है, जहाँ ये विंटर के अंदर फुल सनलाइट के अंदर लगे हुए थे, अब इनको
आपको किसी ऐसी जगह रख देना है जहाँ इन्हें मॉर्निंग की सिर्फ 2 घंटे की या 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की जहाँ इन्हें सनलाइट मिले, ऐसी जगह में आप इनको रख दें। और आपको थोड़ा सा ठंडा एरिया हो वो, जहाँ कोई बड़ा पेड़ हो उसके नीचे रखा जा सकता है, या फिर इनको आप पास पास के अंदर ग्रुप बना करके रख दें, ताकि इनके आसपास का एरिया जो है वो थोड़ा सा कूल कूल रहेगा पास पास रखने से, और वहाँ पर ये अपने आप को खुश महसूस करेंगे और ब्लूमिंग करते रहेंगे। इधर देखिए, ये मेरे डहेलिया भी देखिए कितना प्यारा ब्लूम कर रहा है। ये फ्लावर कल खिला था, तो मेरे यहाँ अभी विंटर फ्लावर्स में, हालांकि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी विंटर के जो फ्लावर हैं वो मेरे साथ बने हुए हैं। ये एक और देखिए डहेलिया, येलो, वो मैरून था और ये येलो है, और ये देखिए ये इधर ये रेड डहेलिया है, और ये देखिए ये कैलेंडुला, अभी मेरे यहाँ कैलेंडुला भी बने हुए हैं। बस स्पेंट फ्लावर्स को आप काटते रहें और प्लांट्स को ग्रुप बना करके रखें, ताकि इन्हें थोड़ी शीतलता महसूस हो। देखिए कितना अच्छा अभी बुशी है ये मेरे कैलेंडुला के प्लांट्स। तो बस ये इन 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके भी प्लांट्स जो हैं वो मार्च अप्रैल, मार्च तो ख़त्म होने आ ही रहा है, लेकिन अप्रैल तक आप इनसे ब्लूमिंग ले सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए मेरे फ्लॉक्स, मुझे फ्लॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कितने क्लस्टर्स में ये और कितने कलर डिज़ाइन के अंदर होते हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।